हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या नया हमें सीखने को मिलता है और क्या क्या नई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप इस हथेली में देख सकते हैं। तो सबसे पहले यूजुअल हम फिंगर्स से शुरू करेंगे, फिंगर्स के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद माउंट्स के और फिर लाइन्स तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि फिंगर टिल्टेड हैं यहाँ पर अपोलो की तरफ। अपोलो के फिंगर काफ़ी स्ट्रेट है, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि इनकी पर्सनैलिटी ज़्यादातर अपोलियन रहेगी, आर्ट की तरफ ध्यान रहेगा इनका। और उसके बाद फिंगर में या फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी इनकी लाइफ के प्रति, इंडिपेंडेंस की एक तरह से इनको डिज़ायर रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम मर्करी फिंगर को देखें तो मर्करी की फिंगर भी काफ़ी स्ट्रेट है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल इनका रहेगा यहाँ पर। और टिल्टेशन बता रही है कि झुकाव इनका अपोलो की तरफ रहेगा। उसके बाद माउंट्स को चेक करते हैं, माउंट्स क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल करूँगा इनकी हैंड को और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर माउंट्स बड़े क्लियर दिखाई दे रहे हैं मुझे और एक एक साइन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बृहस्पति माउंट की बात करेंगे। बृहस्पति माउंट में जो ट्राइरिडल है बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने सर्कल किया है, इसके बीच में ट्राइरिडल बन रहा है। ट्राइरिडल मैं आपको पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, कुछ इस तरह की जो फिंगरप्रिंट वाली लाइंस होती हैं उनसे जो बनने वाला सेंटर पोर्शन होता है जिसको ट्राइरिडल कहा जाता है, अगर वो माउंट के सेंटर में है तो उस माउंट को बहुत ही एग्जॉल्टेड माना जाता है, अच्छा माना जाता है पामिस्ट्री में। तो कुछ इस तरह का साइन इनके बृहस्पति माउंट पर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन जो जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं ऊपर तक आ रही है बृहस्पति तक, तो यह काफ़ी अच्छी इस लाइन को मैं कह सकता हूँ। और इसके साथ साथ राजा लूप की फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से घुमावदार जो लाइनें होती हैं हाथ में, जो ब्रीक फिंगरप्रिंट वाली लाइन्स होती हैं कुछ इस तरह से घूम रही हो यहाँ पर, तो इनको राजा लूप कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा साइन है यह राजा लूप जो इनके हाथ में बन रहा है बिल्कुल सही जगह पर, तो इनको काफ़ी बेनिफिट दिलवाएगा ये। इसके बाद बात करेंगे बाकी के माउंट्स की, और बाकी के माउंट्स के साथ साथ चेक करते हैं कौन कौन से साइंस इनके हाथ में हमें दिखाई देते हैं। एक बार सबको मिटा रहा हूँ तो थोड़ा क्लोजअप लेना चाहूँगा इसके लिए, और ताकि ईजी रहे आपके लिए क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर क्लियरली कुछ लाइनें जो सीधी चलने वाली लाइनें हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, कुछ इस तरह की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं और एक हल्का सा एक गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन नहीं बन रही। कुछ इस तरह की लाइनें चल रही हैं इनके हाथ में। यह लाइन्स कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि जितने भी सीधी खड़ी लाइनें होती हैं वो अच्छे रिजल्ट देती हैं, और पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है जो इनको थोड़ा सा इमोशनल टच देगा, इमोशनल फीलिंग्स इनकी रहेंगी। और उसके अलावा जो सैटर्न है वो ज़्यादा कुछ डेवलप्ड भी नहीं है, एवरेज कह सकता हूँ सैटर्न को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। और अब बात करते हैं अपोलो की। अपोलो पे मुझे एक काफ़ी अच्छा साइन नज़र आ रहा है जिसको स्टार का चिन्ह कहते हैं, थोड़ा क्लोजअप करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये अपोलो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा इसको चिन्ह मानते हैं पामिस्ट्री में, जो स्टार बन रहा है इनके हाथ में काफ़ी अच्छा स्टार बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्टार के साथ साथ एक सीधी लाइन, ये दोनों ही बहुत ही शुभ चिन्ह हैं जिनके हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे व्यक्ति फेम पाते हैं अपने जिस भी फील्ड में ये होते हैं उस फील्ड में इनका नाम होता है, नाम रोशन होता है और फेमस होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसे चिन्ह पाए गए हैं, और इसको काफ़ी लकी मानता हूं मैं। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, स्टार के बाद देखते हैं इनका माउंट मर्करी का क्या बता रहा है हमें। तो यहाँ पर मर्करी के माउंट के ऊपर दो लाइनें जो यूनियन लाइनें हैं दो दिखाई दे रही हैं, तो एक अफेक्शन की लाइन हो सकती है और दूसरी मैरिज की लाइन है जो 30 प्लस की एज में मैरिज शो कर रही है, और एक बहुत ही अच्छी लाइन है यह, इसको अफेक्शन की लाइन मैं कह सकता हूं क्योंकि बड़ी वाली लाइन हमेशा मैरिज की लाइन मानी जाती है। उसके अलावा खड़ी लाइनें मर्करी के ऊपर 2 से 3 दिखाई दे रही हैं मुझे, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी इनकी, बिजनेस एक्यूमन काफ़ी अच्छा रहेगा,
और काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में इन लाइनों की वजह से। अब कुछ और मार्किंग्स देखते हैं जो इनके लिए थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइनें ओवरलैपिंग शो कर रही हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक लाइन चल रही है जो इनकी हार्ट की लाइन से निकल कर नीचे की तरफ, और साथ ही साथ कुछ और ऑफ शूट्स यहाँ पर हार्ट की लाइन पे बन रहे हैं। तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है हार्ट की लाइन की। तो बताना चाहूँगा कि लाइन जो एक नीचे की तरफ ब्रांच जा रही है, ये सारी लाइनें स्ट्रेस की लाइन है, इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं व्यक्ति को अलग अलग एजेस में। तो कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है इनकी हार्ट की लाइन पे। तो वैसे प्रोग्रेस बहुत रहेगी लाइफ में, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम रह सकती हैं इनको, क्योंकि 2 से 3 लाइनें नीचे की तरफ झुक रही हैं और एक लाइन प्रॉपरली मंगल की तरफ इशारा कर रही है। तो थोड़ा सा एक तरह से प्रभाव रहेगा इस चीज़ का इनकी लाइफ के ऊपर, इमोशनल कुछ सेटबैक्स इनको अलग अलग एजेस में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एजेस हम देख सकते हैं, लगभग यह मिडिल एज शो हो रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास की एज में है। और एक यहाँ पर जो यह जो लाइन मुड़ रही है, यह जो सेटबैक्स हैं यह 30 के आसपास, 28-30 के आसपास इनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह का इनका जो हार्ट की लाइन है, कुछ इस तरह के रिजल्ट देने वाली है। अदरवाइज लाइन ठीक है, थोड़ी सी डबलिंग हो रही है, तो एनर्जी थोड़ी हार्ट की लाइन में कम दिखाई दे रही है मुझे। आगे बढ़ते हैं, माइंड की लाइन को चेक करेंगे। माइंड की लाइन क्या बता रही है इनकी, यहां पर हम देख सकते हैं माइंड की लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चले। शुरू में थोड़ा सा एक तरह से मर्जर है, लेकिन आगे लाइन बिल्कुल अलग चल रही है। यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग भी दिखाई दे रही है, मुझे एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से ऐसे इनकी लाइन चल रही है, और यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग और एक डाउनवर्ड ब्रांच जैसे कह सकते हैं निकल रही है। एटलीस्ट कोई आइलैंड नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रेट लाइन है। माइंड बहुत शार्प रहेगा इनका, तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली देखा जा सकता है। काफ़ी शार्प माइंड और काफ़ी स्ट्रेट लाइन जो इनको काफ़ी एक तरह से तरक्की में इनकी काफ़ी मदद करेगी। जो दिमाग है काफ़ी तेज़ रहेगा, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई को हम डिग्री या डिप्लोमों से ही एक तरह से मेजर करें। यहाँ एजुकेशन से मेरा मतलब बहुत अच्छा माइंड होना और बहुत जल्दी सीखने की कैपेसिटी होना शो कर रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या नज़र आ रहा है। इनकी बाकी की लाइंस को चेक करेंगे और वहाँ से आइडिया लगाएंगे इनकी लाइफ कैसी जाने वाली है आगे की। एक बार सब कुछ मिटा रहा हूँ ताकि स्क्रॉल कर सकें थोड़ा सा। यहाँ से हम क्लियरली इनकी बाकी की लाइंस को देख सकते हैं, जो लाइफ लाइन है। ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा किस तरह सा लाइफ लाइन किस तरह से चल रही है। यहाँ से लाइफ लाइन चल रही है और लगभग यहाँ तक बिल्कुल अच्छी है, और आगे चलकर थोड़ा सा आइलैंड का फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर और कुछ इस तरह से। तो अगर इनकी पूरी एज को काउंट किया जाए, तो यहाँ पर लगभग 90 वर्ष, 90 वर्ष की एज निकल कर सामने आ रही है, जिसमें जो प्रॉब्लम है वह लगभग 75+ की एज में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और आगे लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ओवरकम हो जाएंगे उससे, और लगभग 90 वर्ष तक की एज को यह इंजॉय कर सकते हैं इस लाइन के मुताबिक। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या है। यहाँ पर जो शुरू में लाइन है लाइफ की, यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि बिगिनिंग का जो एरिया है, इसमें कुछ मुझे फ्लो एनर्जी फ्लो कम नज़र आ रहा है। और यह जो वीकनेस है, यह लगभग अगर हम काउंट करें तो 25-26 के आसपास तक चल रही है। यहाँ से जो लाइन यहाँ तक मैंने एक सर्कल किया है, लगभग 25-26 की एज तक थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन आगे लाइन का फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो आगे की लाइफ जो रहेगी इनकी लगभग 70 की एज तक, यहाँ तक की जो एज इनकी हम काउंट करें तो 70 वर्ष की आयु तक काफ़ी अच्छा फ्लो चल रहा है, लेकिन आगे जाकर फिर डिटीरियोरेट हो रही है थोड़ी सी लाइफ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फिर से दिखाई दे रही हैं। तो लगभग 90 की एज है, और आगे यहाँ 25 के बाद की एज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर कुछ ऑफ शूट्स हैं जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जो इनको अलग अलग एजेस पे प्रोग्रेस देंगे, जिनको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 के करीब जो ऑफ शूट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह सारे प्रोग्रेस के ऑफ शूट्स हैं।
और यह अलग अलग एजेस में इनको तरक्की के चांसेस दिलवाएंगे, तरक्की दिलवाएंगे। और इसके बाद कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नज़र आ रही हैं जो बहुत डीप तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस इनकी लाइफ में कर सकती हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी हैं स्ट्रेस लाइंस वो वाली, तो एक बार थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा, उसके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। यहाँ से अब आप लाइफ लाइन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो भी लाइनें लाइफ लाइन को काट कर जा रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एजेस में। यह तो पहले की एज है, यहाँ पर डबल लाइन हो रही थी तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम थी ही थी, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस की लाइंस हैं जो ज़्यादा लंबी लाइंस हैं, वो लंबा स्ट्रेस है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे यह लाइन कुछ यहाँ से चलकर लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, यह सबसे लंबा स्ट्रेस है। जो इनकी एज जिसको हम अगर काउंट करें तो 30 के आसपास की एज तक चलेगा। और उसके बाद जो बाकी कुछ छोटे स्ट्रेसेस हैं लाइफ में वह भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी लाइंस हैं जो लगभग 3 से 4 लाइनें जो मुझे आगे की एज में दिखाई दे रही हैं, 30 के बाद की एज में, जो कुछ स्ट्रेस इनको दे सकती हैं। उसके बाद जो इनकी अपवर्ड लाइंस हैं उनको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो ऊपर जाने वाली लाइंस हैं, यह इसको वैसे मेरे ख्याल से पहले मैं बता चुका हूँ, यह सारी प्रोग्रेस की लाइंस हैं। और अब बारी है इनकी फेट लाइन को चेक करने की, फेट लाइन किस तरह से चल रही है। तो यह कुछ स्ट्रेसेस थे जिसकी वजह से इनको थोड़ी परेशानी रह सकती है, लेकिन आगे की लाइफ स्मूथ जा रही है, आगे की लाइफ में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर शुरू में 30 से लेकर 40 के बीच की एज में कुछ स्ट्रेस इनके नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इस सबको मिटा रहा हूँ ताकि बाकी के लाइंस में कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन है फेट की कुछ वेवी है, थोड़ा सा रास्ता बदल कर चल रही है। तो जितना फेट की लाइन डायरेक्टली सैटर्न की तरफ चलती है वो सीधा जॉब को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पर जो वेवीनेस है, पहले जो लाइन चली वह सूर्य की तरफ, उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ तक और फिर यहाँ तक जो इनकी फेट की लाइन बन रही है, यह इनकी प्रोग्रेस की लाइन है, जॉब की, तरक्की की और बिजनेस की लाइन इसको कह सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी लाइन है, लेकिन जितना एरिया इनका सूर्य की तरफ मुड़ रहा था वह एज एक तरह से फेम की रहेगी, और फेम के लिए एक अलग से लाइन जा रही है यहाँ पर। इसको अलग कलर में ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइन बन रही है, और यह जो लाइन है सूर्य की तरफ चलने वाली, यह भी लगभग 2 या 3 लाइनों में डिवाइड होती हुई सूर्य के माउंट तक पहुंच रही है, और सूर्य पे मुझे क्लियर स्टार दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी इनकी। स्क्वेयर हैंड है, अगर आप देखें हैंड की शेप को, बिल्कुल स्क्वेयर हैंड है यहाँ पर, और ऐसा स्क्वेयर हैंड उन्हीं लोगों का होता है जो काफ़ी मेहनती होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्वेयर बन रहा है, और काफ़ी मेहनती रहेंगे ये, और एक अच्छा फेम पा पाएंगे अपनी लाइफ में, मुकाम पर पहुँच पाएंगे, लेकिन स्ट्रगल भी काफ़ी है, स्ट्रेस भी काफ़ी है, स्ट्रेस लाइन है, इमोशनल सेटबैक्स हैं लाइफ में, लेकिन उन सब के बावजूद यह एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्टार बन रहा है जो सूर्य पर, यह इनको फेम दिलवाएगा लेटर एज में चलकर। और उससे पहले कुछ स्ट्रगल जरूर है, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ काफ़ी तरक्की मुझे इनके हाथ में नज़र आ रही है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हाथ के, और मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की कि पूरी सारी की सारी लाइनों को यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर सकूँ। कुछ लाइनें यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं, यह ट्रैवल की लाइंस हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट की लाइंस मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही। तो फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस कम हैं, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा रहेगी इनके हाथ में। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और अगर कोई साइन या कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखें ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को अगर आपको जो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आपके लिए टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।